विकास मंत्रियों की बैठक भी किया संबोधित आख्या दुनिया च आंकड़े की वंड की खाई की पूरा करने लिए टेक्नोलॉजी का लोकतांत्रिकरण बड़ा जरूरी। मोदी सरकार दूर दरेड़े थमां भी दूर दरेड़े इलाके तोड़ी पुज्जा करती है। पहले दियां सरकारें आसिया पिछले छह दहाके दौरान की गई बेअतियां निगी दूर करने लिए आख्या डॉक्टर जितेंद्र सिंह होरें। सेना ने आतंकी नेटवर्क में महिलाएं ते किशोर युवाएं की शामिल करने संबंधी आईएसआई की खतरनाक साजिश का पर्दा किया फाश। एनआईए ने आतंकी फंडिंग मामले में कश्मीरी व्यापारी वटाली की जायदाद की किया जब्त। श्री अमरनाथ तीर्थ स्थान बोर्ड ने यात्रा दौरान बंदिश तो इजाजत वाली खाने पीने वाली चीजें की सूची की जा रही। अमरनाथ यात्रा स्वच्छ तीर्थ पासे पता कर दी है अगे। नमस्कार, डीडी काशी समा प्रसारित होने वाले डोगरी खबरें इस बुलेटिन च तुंदा सबने दा स्वागत है। हुन पेश खबर तफसील करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कल 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस राय रोजगार मेले च नमें भर्ती 70 रंगरूटें च नियुक्ति पत्र तकसीम करगन। इस मौके पर वो इन्हें लोगों की संबोधित भी करगन। रोजगार मेले का आयोजन जम्मू समेत मुल्खा की 43 थारों पर किया जा करता है। भर्ती का काम केंद्रीय सरकार के महकमे के कन्ने कन्ने रियासती केंद्र शासित प्रदेशों चला करता है। मुल्क भरा च चुने गए नमें रंगरूट बख बख महकमे राय सरकार च शामिल होंगन। रोजगार मेला प्रधानमंत्री हुंदे आसिया रोजगार उत्पादन की प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता की पूरा करने वाली पेठा पुट्टी गई एक गैं है। नमें शामिल किए गए रंगरूटें आईजीओटी कर्मयोगी पोर्टल उपर ऑनलाइन तरीके कर्मयोगी प्रारंभ राय सिखलाई हासिल करने का मौका भी मिला करता है। इस पोर्टल उपर 400 ई लर्निंग कोर्स हर थारा पर सिखलाई हासिल करने वाले हर उपकरण उपर उपलब्ध न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आख्या जे ग्लोबल साउथ मुल्खे लिए विकास एक मुख्य मुद्दा है। उन्हें निरंतरता आले विकास निशाने की हासिल करने लिए लोड़दी कार्रवाई योजना बारे पूरी दुनिया की एक मजबूत सुनेहा देना लोड़ता है। प्रधानमंत्री और वीडियो कॉन्फ्रेंस ने राय बनारस G20 विकास मंत्री की संबोधित करा करते हैं। श्री मोदी और आख्या जे कोविड महामारी कारण पैदा हुए हालात का ग्लोबल साउथ मुल्कों पर बड़ा माड़ा असर पिया है। अन्नदाना ऊर्जा से रसायनी एहलें का संकट भू राजनीति तनाव का कारण बनी गए हैं। ऐसे हालात यह मुल्क जिहड़ा फैसला लेंगन वह पूरी मनुखता लिए महत्वपूर्ण होगा। By the disruption created by the global COVID pandemic, in such circumstances, the decisions you make carry great significance for humanity as a whole. I strongly believe that it is our collective responsibility not to let the sustainable development goals fall behind. आंकड़े बारे बड़ा करते फर्क के मामले को उजागर करते हुए प्रधानमंत्री ने साफ किया कि भारत में डिजिटलाइजेशन ने उन्हें थारे क्रांतिकारी बदलाव आने जिन्हें थारे लोगों की सशक्त बनाने आंकड़े तोड़ी पहुंच से सबने की शामिल करने से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा करता है। टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड एज अ टूल टू एम्पावर पीपल make data accessible and ensure inclusivity. India is willing to share its experience with partner countries. I hope that your discussions will result in tangible action to promote data for discourse, data for development and data for delivery in developing countries. काशी के महत्व की उजागर करते हुए प्रधानमंत्री ने आखिर इस सदी तोड़ी ज्ञान चर्चा बहस संस्कृति से आध्यात्मिकता का केंद्र रहा है। कन्ने गए इसी भारत की विविध विरासत के एक संगम के तौर पर भी देखा जा सकता है। श्री मोदी और इस गल पर खुशी प्रकट की G20 विकास एजेंडा भी काशी पुजे है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर होने आज आख्या वैश्विक अर्थव्यवस्था की बहाली की संभावना सप्लाई लड़ी च रूकावटें द्वार संकट वाह करते चिर से ऊर्जा खाद्य से खाद सुरक्षा के दबाव के चलते बड़ी घट लभा करती है। उन्हें आखिर इन्हें चुनौतियों कन्ने निबड़ने लिए सांझी वैश्विक कोशिश करने की लोड़ है। बनारस G20 विकास मंत्रियों के सम्मेलन की संबोधित करते हुए उन्हें भी आख्या कि भारत ने निरंतर विकास निशाने पर तेजी कन्ने तरक्की लिए 7 बरे की एक कार्य योजना पेश की है जिड़ी G20 कार्रवाइयों एकीकृत से सबने की कन्ने लिए अगे बदने वाला रस्ता सामने रखती है। श्री जयशंकर होने आखिर G20 विकास मंत्रियों की बैठक असेंगी इन्हें मामले पर एकजुटता प्रदर्शित करने का मौका हासिल करवाती है।
केंद्रीय व्यापार उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज आख्या जे भारत संयुक्त अरब अमीरात 2030 परे तोड़ी गैर पेट्रोलियम उत्पादन के दपक्षी कारोबार की 100 बिलियन डॉलर तोड़ी ले जाने के जतन करा करते हैं। मंत्री और नवी दिल्ली भारत यूएई के व्यापक आर्थिक हिस्सेदारी समझौते की सांझी कमेटी की पहली बैठक परंत बोला रहे हैं तो इस मौके यूएई के विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉ थानी बिन अहमद अल जियोदी और उत्थे मौजूद है। श्री पीयूष गोयल ने आखे जे इस मौके भारत यूएई विचकार गैर पेट्रोलियम उत्पाद कारोबार 48 बिलियन डॉलर का है तो दमें मुल्क इसी 100 बिलियन डॉलर तोड़ी पजाने उपर सहमत हुए हैं। उन्हें आखे जे दोनों मुल्कों विचकार आपसी व्यापार च पिछले एक बरे दौरान महत्वपूर्ण वाधा होया है। मोदी सरकार दूर दरेड़े के इलाके तोड़ी पुजने से पिछले 6 दहाके थमां पिछली सरकारें की बेत्यानी दशकार दूर दरेड़े इलाके की सुध लैने के जतन करा करती है। साइंस टैक्नोलॉजी विभाग के राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज उधमपुर जिले के बट्टल बालिया ग्रां च मोदी सरकार के 9 बरे पूरे होने पर एक आम जलसे की संबोधित करते हुए इं आख्या। उन्हें आखिया कि प्रधानमंत्री उनकी अगुवाई हेठ 9 बरे के विकास ने पिछले कई दहाकों के विकास की पिछे छोड़ी दिता है। उन्हें अगे आखे कि पिछले 3 बरे च केंद्र आसिया दिते गए दे फंड कन्ने चलने वाले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तहत सड़क प्रोजेक्टें की लागू करने च उधमपुर मुल्खा दे प्रमुख जिले च शामिल हो गया। देशभक्ति ईमानदारी स्नेह प्रेम की सुगंध आती है तो यही कारण है भी जिस वेले सन 2013 च मोदी जी की प्रधानमंत्री के रूप में जो उम्मीदवार नियुक्त किया गया है 9 साल में जो कामकाज हुआ है उसका लेखा जोखा लेकर के हम सरकार हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और यहाँ के लोगों ने मोदी जी को एक जिम्मेवारी दी थी और मोदी जी ने कहा था कि जो खित्ते पिछड़ गए हैं जो विकसित क्षेत्रों के बराबर नहीं पहुँचे उनको हम करके दिखाएंगे और यहाँ के लोगों ने हमें वरदान दिया, यहाँ से हमें निर्वाचित करके भेजा और आज हम इस कहने की स्थिति में हैं कि देश की जो 550-550 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें सर्वाधिक अगर विकास के कार्य हुए 9 बरस में तो उधमपुर में हुए हैं। हम ये चाहेंगे कि इसका तुलनात्मक विश्लेषण हमारे पत्रकार भाई करें। अमरनाथ यात्रा पर बोलते डॉक्टर सिंह ने आखिर अमरनाथ यात्रा देश के जम्मू कश्मीर की सांझी संस्कृति का प्रतीक है। तो मैं समझता हूं कि एक सामूहिक जो हमारी संस्कृति है देश की और जम्मू कश्मीर की उसका प्रतीक है। भारी संख्या में हिंदू श्रद्धालु आते हैं और जब कश्मीर घाटी में प्रवेश करते हैं तो वहां पर वहां के मुस्लिम नागरिक उनकी आवभगत करते हैं, उनकी मेजबानी करते हैं, उनकी व्यवस्था करते हैं। बल्कि हमने इस परंपरा को मजबूत करना है बजाय इसके कि ये राजनीति का कहकर के हम समाज में इस प्रकार की दरारें डालें। और मुझे विश्वास है कि 62 दिन की होने वाली अमरनाथ यात्रा बहुत भारी संख्या में श्रद्धालुओं को आकर्षित करने वाली है। कश्मीर च आतंकवादियों आसिया रिवायती संचार साधनों के इस्तेमाल च कमी आने परंत पता लगा जे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ते आतंकी ग्रुपें दे कमांडर एक खतरनाक बदलाव करते हुए हथियार ते स्नेह ले जाने वास्ते महिलाएं ते किशोर अवस्था वाले जागतें कुड़ियों के इस्तेमाल करना शुरू कर दिता है। यह जानकारी 15 कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह औजला ने दी। उन्हें यह भी दसा जे लोगों की सोगा रोना हो कि जे कब्जा लाइन के पार बैठे दे लोग रवानदारी वाले वातावरण की खराब करने की योजना बनाने च रुझे दे। जीओसी और आखे जे पाकिस्तानी आतंकवादियों की तरफा पैदा की गई इस चुनौती के मुकाबले लिए फौज और दुनिया एजेंसियों के सहयोग कन्ने सांझे तौर पर काम करा करती है। सेना अधिकारियों ने यह आखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा साड़ी पहली जिम्मेवारी है तो इस बारे कोई भी कसर बाकी नहीं रोन दी जाग अगे आख्या जे सुरक्षा एजेंसियों की सोगे रोने की लड़ है तो किसी भी कीमत पर ढिल मठ बरतने की संभावना नहीं है। उन्हें यह गल मनी जे चुनौती इस गल की है जे गौंडी मुल्क ने अपनी नीयत च कोई बदलाव नहीं किया तो पीर पंचाल पहाड़ी श्रृंखला के दोनों पासे बार बार गड़बड़ी पैदा करा करता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आज आतंकी फंडिंग के मामले च व्यापारी जहूर अहमद शाह वटाली की कुपवाड़ा जिले च मौजूद जायदाद की जब्त कर लेता है। सरकारी सूत्रें दस्या जे एनआईए के एक दल ने वटाली के नाव पर अंदवाड़ा जिले च भगतपुरा ते कचवारी ग्रां च मौजूद अचल संपत्ति की जब्त किया। जब्त की गई जायदाद च वह जमीन भी शामिल है जी नाव पर ही। वटाली की 2017 च गैर कानूनी गतिविधियों की रोकने वाले बड़े सख्त कानून यूएपीए की कई दफाएं तहत गिरफ्तार किया गया। ट्रायल कोर्ट ने पिछले महीने मई महीने बटाली ते और दुए खिलाफ 2017 च जम्मू कश्मीर च आतंकवादी ते अलगाववादी गतिविधियां चलाने के मामले च आरोप तय किए हैं। वटाली की पिछले बरे जेल च रखा गया है पर सेहत संबंधी कारण करी उसी घर च गए नजरबंद किया गया है। सुरक्षा बलें कुपवाड़ा जिले के भटपुरा ग्रां च अज एक पुराने मोटार बंब शैल की बरामद किया। सरकारी सूत्रें मुजब बीएसएफ के सड़क चैड़ा करने वाले दल की अंदवाड़ा नौगाम हाईवे उपर एक मोड़े कोल ए मोटार थोया। सूत्रें दस्या जे होई सकदा जे ए मते चिरे थमां इत्थे दबाइए रखे दा होए। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2 के तहत अमरनाथ यात्रियों की स्वच्छ ते कूड़ा कचरा मुक्त वातावरण हासिल कराने की यकीनी बनाने ताई नेकां चाली दे सफाई प्रोग्रामें दे अलावा कूड़े कचरे दे प्रबंधन ते जागरूकता मुहिमें की भी बढ़ावा दिता जा करदा है।
पिछले बरे की अमरनाथ यात्रा दौरान शहरी मकामी इदारे की तरफा यात्रा के रस्ते 127 शौचालय 119 यूरिनल्स से नौने लिए 40 केंद्र कायम किए गए हैं। इसके अलावा शहरी मकामी इदारे की तरफा 780 और शौचालय भी यात्रा दौरान कायम किए गए। कूड़े कचरे से मलबे के प्रबंधन लिए इस बरे 12 मई की जम्मू कश्मीर की 10 शहरी मकामी इदारे 9 ठोस कचरा प्रबंधन सहूलत कायम की गई। इन्हें चार 3 काजीगुंड संभल से गांधरबल च कायम की गई। अमरनाथ यात्रा दौरान यात्रियों की सेहत का ध्यान रखते हुए तीर्थ स्थान बोर्ड ने जंक फूड से सेहत की नुकसान देने वाली और दुनिया खाने पीने वाली चीजें के इस्तेमाल की रोकने का फैसला किया है। बोर्ड ने आखिर यात्रा के लंगर इस बरे अलवा पूरी समोसा जलेबी ते गुलाब जामुन वगैरह नहीं परोसे जागन। इस बरे यात्रा लिए बख बख थारे पर 120 लंगर लुआए जा करते हैं। यह लंगर यात्रा के दौने रस्ते पहलगाम ते बालटाल थारे पर भी लाए जागन। यात्रियों की सेहत सुरक्षा की यकीनी बनाने ताई बोर्ड ने एक सूची जारी की है जिसे खाने पीने वाली चीजें बंदिश वाली चीजें की जानकारी दी गई है। यह स्पष्ट किया गया है कि जंक फूड से तली दी चीजा बिल्कुल भी नहीं परोसिया जागन। मांसाहारी खाना शराब तमाकू गुटखा पान मसाला ते सिगरेट जने नशीले पदार्थों पर बाठ ध्याने चलने वाली इस यात्रा दौरान पूरी चाली पाबंदी लाई गई है। जिन्हें चीजें की परोसने की इजाजत दी गई है उन्दे च दालां सब्जियां सलाद फल चौल गुड़ सांबर इडली उत्तपम पोहा दही शरबत ते खुश्क मेवे शामिल न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें पिछले महीने अपने कार्यकाल के 9 बरे पूरे किए। इन्हें बरें दौरान आम लोगों की भलाई बेहतरी ताई कई पहलकदमियां स्कीमां शुरू की गई। इन योजनाएं चा एक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी है जिस कन्ने 12 करोड़ परिवारों की फायदा पुजा है। मोदी हुंदे आसा यह योजना 23 सितंबर 2018 च रांची झारखंड थमां शुरू की गई है। आयुष्मान भारत तहत 5 लाख रूपया प्रति परिवार की प्रति बरे अस्पताल का नकदी रहत खर्चा चुकने लिए दिता जाता है। स्कीम तहत 12 करोड़ थमां मते गरीब परिवारें ते तकरीबन 55 करोड़ लाभकारियों की इहदे दायरे हेठ आनिया गया। कैंसर ते दिले दी बीमारी सने 1300 गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उन्हें सरकारी ते प्राइवेट अस्पतालें च होई सकदा है जिहड़े इस स्कीम तहत भारत च सूचीबद्ध किए गए हैं। उन्हें तोड़ी 4 करोड़ थमां वध लोगों का इस स्कीम तहत इलाज मुआवजा किया जा चुका है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का मकसद गरीब लोगों लिए इलाज का खर्चा घट करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स से सूचना टेक्नोलॉजी के केंद्रीय राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर होरें भरोसा जताया जे भारत ने उन्नत टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल करिए टकोदी थार हासिल की है। पुणे च अज G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था वर्किंग ग्रुप की बैठक के उद्घाटन इजलास च बोलते हुए उन्हें आख्या कि डिजिटल क्रांति राय भारत न छड़ा एक निर्माता बनी गए सगुआ समान से सेवा का एक मुख्य निर्यातक भी बनी गया। उन्हें आख्या कि डिजिटल अर्थव्यवस्था किसी भी मुल्क के विकास की रीढ़ की हड्डी है तो भारत ने इस क्षेत्र च शानदार काम किया है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी UPSC ने इस बरे लेते गए प्रीलिम मतियाने के नतीजे घोषित कर दिए हैं। कुल 14,624 उम्मीदवारों की कमीशन आसिया अगले मतियान च बोने की सिफारिश की गई है। उम्मीदवार कमीशन की आधिकारिक वैबसाइट upsc.gov.in पर नतीजा दिखी सकते हैं। मुख्य मतियान इस बरे 15 सितंबर की लेते जागन। भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू होरें ऑडिट करने की प्रक्रिया च आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की अपनाने का आह्वान किया ताजे कामकाज समर्थगी बताया जा सके। उहां एदी खामियां बारे खबरदार करते उन्हें भी आखे जे नीति बनाने वाले की इस टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने लिए जवाबदेही वाली प्रक्रिया भी लागू करनी लोड़ती है। श्री मुर्मू और पंजी चाज बड़ले G20 के सुप्रीम ऑडिट संस्थान के सशक्तिकरण ग्रुप के दुए सम्मेलन की संबोधित करा करते हैं। उन्हें आखे जे आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से ब्लू इकोनॉमी के ऑडिट SAI की महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होग ताजे सुशासन पारदर्शिता से जवाबदेही की यकीनी बनाया जा सके। जम्मू यूनिवर्सिटी के भद्रवाह कैंपस की तरफा मौसम बदलाव के हिमालय क्षेत्र च पर्यावरण सेवाएं बारे एक रोजा राष्ट्रीय सैमीनार लोया गया। कैंपस के पृथ्वी साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन एनवायरमेंट विभाग की तरफा लोए गए इस सैमीनार का मकसद विद्यार्थियों की सेहतमंद मौसम के बारे जागरूक बनाना है। सैमीनार दौरान भद्रवाह के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर दिलमीर चौधरी और मुख्य परौने हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मिलाप चंद शर्मा और मुख्य भाषण दिता। उन्हें हिमाचल क्षेत्र च मौसम बदलाव कारण पैदा हुआ करती बख-बख समस्याएं भी उजागर किया। बीजेपी के राज्यसभा सदस्य इंजीनियर गुलाम अली खटाना और आखिर जिन्हें पार्टियां अलगाववादियों और दुए लोगों जम्मू कश्मीर के लोगों का शोषण किया तो उन्हें लुटिया उन्हें अपने भ्रष्टाचार से अपराध की कीमत चुकाने योग। उन्हें आखिर इन्हें पार्टियां अपने स्वार्थ लोगों का शोषण करने ताई धर्म से जज्बात दोनों की इस्तेमाल किया। इंजीनियर खटाना और कुपवाड़ा च मोदी सरकार के केंद्र च 9 बरे पूरे करने पर लुआई गई संयुक्त मोर्चा बैठक की संबोधित करा करते हैं। रामबन जिले के शहरी इलाके च रोने वाले तकरीबन 295 गरीब लोगों पिछले माली बरे दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी तहत हासिल माली सहायता करने अपने पक्के मकान बनाए।
इस स्कीम के शुरू होने कन्ने हुने तोड़ी मंजूर किए गए थे कुल 636 मामले चा 300 गरीब लोग अपने घरें मकाने का निर्माण करी लिया जिदे लिए इन्हें सबने की कुल रलाइए 5,62,00,000 रुपए की माली सहायता हासिल करवाई गई। बटोत की म्यूनसिपल कमेटी तहत 79 लोग अपने मकान बनाए जिले के रामबन म्यूनसिपल काउंसिल 112 लोग बनिहाल म्यूनसिपल कमेटी 119 लोग इस स्कीम तहत अपने मकान बनाए न। तो आज पक्का मकान डाला है हमने, ये बड़ा सुख है, हम अपने घर में रह रहे हैं सरकार की तरफ से। गरीबों खबरें इस बुलेटिन च बस इन्ना गए, दो इजाजत, नमस्कार।